IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे पहले 1978 में पहली बार सक्सेसफुली किया गया। इस प्रक्रिया का आविष्कार उन महिलाओं के लिए हुआ था जिनकी नलियां बंद थीं और जो कुदरती तौर पर कभी भी किसी भी मेडिसिन से मां नहीं बन सकती थी। उनके लिए ये खोज एक चमत्कार साबित हुआ, क्योंकि उससे इस खोज से इस IVF तकनीक की मदद से उनका वो सपना पूरा हो सका जो अदरवाइज कभी नहीं हो सकता था। आज इसकी खोज हुए करीब 40 साल हो चुके हैं, पर अनफॉर्चुनेटली फिर भी हमारे देश में ये तकनीक हर जगह हर घर में नहीं पहुंच पाई जहां इसकी ज़रूरत है। इसका कारण है लोगों की मिसकंसेप्शंस, गलत भ्रांतियां, जिससे कि लोग डरते हैं IVF से। लोगों को मालूम नहीं है कि ये प्रक्रिया क्या है, ये नॉर्मल है या नहीं। उन लोगों को लगता है कि शायद ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि बच्चा फैक्ट्री में यानी मशीन में बनाकर हमारे अंदर रख दिया जाता है। पता नहीं वो बच्चा कैसा होगा, सामान्य इंसान की तरह होगा या उसमें कहीं कुछ खराबियां तो नहीं होंगी, वो कुछ अलग विलक्षण तो नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतने सालों में दुनिया में करीब 50 लाख से ज़्यादा बच्चे IVF टेक्निक की मदद से पैदा हो चुके हैं, एक सामान्य और सक्सेसफुल जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल हमारे और आप सब लोगों की तरह होते हैं। किसी में किसी तरह की कोई ख़राबी भी नहीं पाई गई। इतना ही नहीं, IVF से जन्मे बच्चे बिल्कुल कुदरती तौर पे माँ या पिता बने हैं। उनमें ऐसा भी नहीं कि IVF की ही ज़रूरत पड़ती है पेरेंट्स बनने के लिए। तो ये तकनीक बिल्कुल सेफ है। अब IVF में करते क्या हैं, इसको समझाने के लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। देखिए, प्रकृति को समझकर, प्रकृति की वही चीज़ अगर शरीर के बाहर हमने लैब में दोहराने की कोशिश की तो वो प्रकृति के विरुद्ध नहीं हुई। हमने वही काम उसकी मदद से उसको समझकर लैब में किया। जैसे एक माली कुछ बीज लगाता है मिट्टी में, हर बीज खुली ज़मीन में खुली मिट्टी में नहीं पनपते। कुछ डेलिकेट संजीदा बीजों के लिए वो एक अलग से ग्लास हाउस लगाता है। उन बीजों को वो ग्लास हाउस में मिट्टी में रोपता है, उन्हें खाद पानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देता है, उनकी अलग से देखभाल करता है। जब वो पौधे बन जाते हैं तो उन पौधों को वापस खुली ज़मीन में जाकर लगाता है। तो इस तरह से जो पौधे बड़े हुए, उन पौधों को क्या हम आर्टिफिशियल कह सकते हैं या फैक्ट्री में बनाया कह सकते हैं? शायद ये कहना गलत होगा। उन पौधों को हम एक असिस्टेड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मदद से बढ़ाया गया कह सकते हैं। IVF भी ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें हम कुछ इंजेक्शन्स लगाकर एक महिला के शरीर में अंडे बनाते हैं, एक से ज़्यादा अंडे बनाते हैं ताकि हमें सिलेक्शन का ऑप्शन मिले। जब वो अंडे मैच्योर हो जाते हैं, जिसे देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं बार बार, जब अंडों का साइज़ अच्छा हो जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो उन अंडों को शरीर के बाहर निकाला जाता है। शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। एक सुई जाती है नॉर्मल अल्ट्रासाउंड प्रोब के साथ और वैक्यूम से अंडों को बाहर खींच कर ले आती है, जिसके लिए हल्की सी बेहोशी या गहरी नींद का इंजेक्शन काफ़ी होता है। महिला आराम से सेम डे घर जाती है, अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं होती। जो अंडे बाहर निकाले गए हैं उनमें सिलेक्शन किया जाता है कि बेस्ट क्वालिटी का कौन सा है। उन अंडों के साथ उनके पति के शुक्राणुओं को फर्टिलाइज किया जाता है और लैब में ही पहला भ्रूण अस्तित्व में आता है। इस भ्रूण को 3-4 दिन तक लैब में पोषित किया जाता है। जब ये करीब 3-4 दिन तक हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इनमें अगेन सिलेक्शन किया जाता है कि कौन सा भ्रूण सबसे स्वस्थ है, किसमें आगे बढ़ने की क्षमता ज़्यादा है। उन भ्रूण में से दो भ्रूण जो बेस्ट हैं उनको सिलेक्ट करके महिला की बच्चेदानी में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। 15 दिन के बाद महिला का प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जिससे पता चल जाता है कि IVF का जो प्रोसीजर है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। बस इतनी ही सी चीज़ होती है। शरीर के बाहर भ्रूण का पहला निर्माण और फिर भ्रूण को वापस शरीर में रख देना। उसके बाद 9 महीने ये भ्रूण सामान्य बच्चे की तरह पलता है और नॉर्मली डिलीवर भी हो सकता है। ये भी गलत सोच है कि जो IVF से जन्मे बच्चे हैं, जो IVF से बने बच्चे हैं, उनको सिजेरियन द्वारा ही निकालना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार अगर प्रेगनेंसी लग गई तो एक सामान्य प्रेगनेंसी की तरह है। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़्यादातर लोग सिजेरियन करवाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वेट नहीं करना चाहते, वो उनकी सोच है। अदरवाइज़ IVF खुद में कोई सिजेरियन का इंडिकेशन भी नहीं है। IVF के बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से भी पैदा होते हैं।